टी20 वर्ल्ड कप के बाद से बहुत सारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स ने टी20आई फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। वहीं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स की बात कर ले तो ट्रेंट बोल्ट ने भी संन्यास का ऐलान किया है। लेकिन आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के एक दिग्गज क्रिकेटर हैं डेविड मिलर, उनके रिटायरमेंट की खबरें भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में ये खबर आई कि डेविड मिलर ने टी20आई फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी ये खबर दिखाई है कि डेविड मिलर ने टी20आई फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन सच में क्या उन्होंने संन्यास लिया है या फिर नहीं, इस बात का खुलासा डेविड मिलर ने खुद ही किया है इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर। उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी टी20आई फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिया है और मैं आने वाले कुछ सालों तक संन्यास नहीं लूंगा, क्योंकि अभी मेरे अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है और मेरा बेस्ट आना अभी तक बाकी है। आपको बता दें कि डेविड मिलर के हाथ में वो मौका था जिससे वो टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार साउथ अफ्रीका को चैंपियन बना सकते थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव का वो जो बहुत ही शानदार कैच था लॉन्ग ऑफ पे, उन्होंने जो कैच लिया था उसकी बदौलत डेविड मिलर का विकेट गिर गया और उसके बाद से बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आए डेविड मिलर, रोते हुए भी उन्हें देखा गया और सब लोगों ने बोला कि डेविड मिलर के हाथ में था, वो जितवा सकते थे वो मैच और साउथ अफ्रीका फाइनल मुकाबले में भी चौक कर गई। मतलब साउथ अफ्रीका ने कभी भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता और जब उनके पास मौका आया तो उन्होंने वो मौका गवा दिया। एक टाइम पे ऐसा था कि 30 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत थी, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया का इस बार भी आईसीसी टाइटल जीतने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वहां पे हेनरी क्लासन ने बहुत कमाल की पारी खेली, अर्धशतकीय पारी खेली, उसके वजह से डेविड मिलर के पास पूरा चांस था जिताने का मैच। अगर वो सिक्स हो जाता तो शायद वो जो मुकाबला था वो साउथ अफ्रीका के पलड़े में जा सकता था, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने कमाल का कैच पकड़ा जिसकी बदौलत डेविड मिलर आउट हो गए। उसके बाद से जो बल्लेबाज गए उनकी विकेट गिरती चली गई और लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने बहुत कमाल का ओवर किया था और 7 रनों से वो मुकाबला इंडिया जीत गई थी और बन गई थी टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन। आपको बता दें कि डेविड मिलर गुजरात टाइटंस की तरफ से भी आईपीएल में खेलते हैं, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन उनका रहा था। जब वो पहले फ्रेंचाइजी के लिए खेलते थे तो उनका बेस्ट नहीं आया था, लेकिन जब से वो गुजरात टाइटंस में आए हैं तब से बहुत कमाल का प्रदर्शन वो करते हुए नजर आए। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बहुत कमाल का प्रदर्शन किया था डेविड मिलर ने, वहां सेंचुरी भी लगाई थी और टी20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल क्रिप्लेक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।